आप लोगों ने भी ये निर्णय लिया है कि आप लोग जो हैं इस चुनाव में वोट नहीं डालेंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या वजह है उसकी? वजह यही है सर जी कि हम लोगों के गांव में हर चीज़ की कमी है। उदाहरण के तौर पे देखो, हमारे गांव में रोड नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी की भी कमी पड़ जाता है। जैसे अब लोग गर्मियों के दिन आ रहे, नलर में पानी भी नहीं निकला, और गाँव के में जो हमारे स्कूल वगैरह है इनमें शिक्षा में स्कूल नहीं, हमारे टाइम टेबल पर आ रहे, चार दिन आउट हैं तो कब एक महीना नहीं आ गए। आठवीं की में और पाँचवीं की दोनों स्कूल में ताले डरे हैं सर जी। अंदर चल के देखें हम? अंदर भी आप देख सकते हैं। देवी सर ताले, ये प्रधान अध्यापक का है जी सच्ची, इसका फर्श बता रहा है कि महीनों से यहाँ पे किसी ने प्रवेश नहीं लिया। इनको अगर हम अध्यापक को कॉल करें, ये जो भगवत सिंह जी हैं, पिछली बार आप लोगों ने वोट डाला था 2014 में, तो क्या आपको उम्मीद थी कि इस बार कुछ काम होगा उस चुनाव की वजह से? इसी उम्मीद से डाल दे, उन्होंने कह दी कि हम तुम्हारी सारी समस्या हल करेंगे, तुम लोग वोट डालो। सो हम लोगों ने वोट डाल दे, उनकी पूरी सरकार भी निकल चुकी, तब भी अब हमको काम नहीं उन्होंने करवाया, ना कोई विकास हुआ है। हमने सुना है कि आप लोगों ने भी निर्णय लिया है कि इस बार चुनाव में आप लोग वोट नहीं डालेंगे, क्यों? अब सब पहाड़ में है, न रोटियां मन करने को, गैर रास्ता है, न लाइट है। अब पैसा ये आटा पानी पैसा भी कितने जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं। अब पर की साल एक दुर्घटना घटी तो अब इस तरफ लद्दी डरी, लड़वा लड़े लड़ियाँ डरे, अब कड़ भी की कोई व्यवस्था नहीं है, मैंने एक आदमी चलो गए सूर्य प्लांट है। अच्छा, सरकार मदद ही नहीं कुछ कर रही, हमें वोट दे दो, लाइट दे दो, हम हमारी मरा रहा पहुँचे। सरकारी स्कूल में प्राइवेट लोग पढ़ाते हैं, प्राइवेट पढ़ाते नहीं। समय हम राकेश नामदेव, पूर्व माध्यमिक सहायक अध्यापक हूँ सर। तो सर चूंकि जंगल का रास्ता सर कठिन है, आप लोग तो सर इतने सारे लोग गाड़ी से आए हैं, देख लिया सर, अकेले सर आना संभव नहीं है। और सर ये तो वन्य क्षेत्र है सर, यहाँ पे तेंदुआ, भालू, बारह सिंह, हिरण पाए जाते हैं सर यहाँ पर, पिछले कुछ सालों पहले यहाँ पे सिंह भी पाए जाते। मोहल्ले में कुल में दो ही तीन हेडपम्प है सर, बस वो हेडपम्पों को पानी है और क्या है सर, लाना पड़ता है। कितना वजन होगा इन दोनों का? 25 किलो के करीब होगा। और दिन में आप कितने चक्कर लगा लेती हैं इसके साथ? 10-12 आप आती हैं? पानी की तो बहुत समस्या है, और अभी जो फसल है ये फसल में दाना नहीं पड़ा है, तो पानी कुआ में सूख गया है। तो यहाँ पर कोई वो सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है? नहीं सर। कहीं भी चले जाओ 40 किलोमीटर दूर से, पहले इस अस्पताल नहीं मिलेगी। मोदी जी को सोचे कि मोदी जी करेंगे, उनकी आशा साहब अब तक आप हमारे आवास नहीं बने। पोस्टर तो बड़े लगे हैं कि पूरे घर घर पे बिजली आ गई है, घर घर में टॉयलेट बन गए हैं, घर घर पे जो है गैस उपलब्ध करा दी गई है, क्या यह ऐसा नहीं है? देखें एक बार, हाँ कैसा है? अच्छा, तो यहाँ पर आप खाना बनाते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे बनाती खाना। सब जाते हैं गैस के लिए, एक साल से परेशान है, आधा कागज जमा करे आए थे, वो जो पैसे दे देता है उसके गैस सिलेंडर दे देते, और हमारे सब देते नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है सब, तो यानी रिश्वत देनी पड़ती। हाँ, रिश्वत देनी पड़ती।
ये जो मंडी है यहाँ पे बुंदेलखंड विशेष पैकेज के अंतर्गत पिछली सरकार ने बनवाई थी 2012-13 में ये मंडी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे जो लोकल के लोग हैं आसपास के 10-20 किलोमीटर के लोग अपने किसान अपनी उपज को लेके जो बड़ी दूर तक जाते थे जिला मुख्यालय पे, उनको यहीं पे अपना उत्पादन बेच के उपज बेच के और यहीं पे उनका मूल्य मिल जाता, इसके लिए मंडियों की स्थापना हुई थी। लेकिन जितनी भी मंडी हैं इन मंडियों में आज तक ना तो कोई खरीद हो पाई है ना ही कोई व्यापारी है। यहाँ पर जो गार्ड भी तैनात हैं सुपरवाइज़र हैं वो भी कभी नहीं आते, वो घर बैठ के ही इसका पैसा तनख्वाह अपना ले रहे हैं।